तो इस बिग बिलियन डे सेल पर फ्लिपकार्ट पे आपको सैमसंग गैलेक्सी A14 5G 9,999 रुपये यानी कि 10,000 रुपये नहीं, उससे भी कम प्राइस पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सब कुछ बताऊंगा, उससे पहले आप लोग ऐसे ही अगर ऑफर रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 4GB रैम 128GB वेरियंट मैं सिलेक्ट किया हूँ। तो बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा पेज ओपन हो क्या आएगा। तो अगर आपके पास सुपर कॉइन है एंड अप टू 300 सुपर कॉइन तक आप माइनस कर सकते हैं इस फ़ोन का प्राइस से, यानी कि 11,500 रुपये का फ़ोन आपको 11,200 पे मिल जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो एक पेज ओपन हो क्या आएगा एंड वहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरा मल्टीपल कार्ड्स शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ICICI का जो कार्ड अगर आपके पास है तो 1494 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा एंड इफेक्टिवली आपको फोन 9,745 रुपए का देखने के लिए मिलेगा। एंड अगर आपके पास फ्लिपकार्ट का एक्सेस कार्ड है तो उसका कितना डिस्काउंट मिलेगा वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो वहाँ पर आपका 3 ऑफर अप्लाइड होता है, जहाँ पर 450 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद 500 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा 5% एंड 515 रुपीज़ 515 रुपये का आपको कैशबैक भी मिलेगा ये फ़ोन को अगर आप विदाउट EMI परचेज करते हैं। तो इफेक्टिवली आपका फ़ोन 10,290 रुपये उसके साथ 515 रुपये का और कैशबैक भी देखने के लिए मिलेगा। एंड अगर आप EMI करते हैं EMI पे फ़ोन परचेस करते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे तो कितना प्राइस पड़ेगा सब कुछ दिखा दे रहा हूँ। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का कार्ड है तो EMI पे करने से 3 महीने पे 3,430 रुपये और अगर 6 महीने का करता है तो 1,715 रुपये का आपको EMI पे करना पड़ेगा। एंड जब ये EMI स्टार्ट होगा 199 प्लस 18% GST आपको चार्ज देना पड़ेगा यानी कि 235 रुपये। अगर आपके पास ICICI का कार्ड है तो भी EMI का जो चार्जेस है वो 235 रुपये देना पड़ेगा एंड EMI का ब्रेकअप जो है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पॉज करके चेक कर लेना। तो इस तरह से सैमसंग गैलेक्सी A14 5G आपको 9,700 रुपये के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। उसी तरह से बाकी जो सारे कार्ड्स पर EMI ऑप्शन अवेलेबल है नो कॉस्ट वाला, सारे आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पॉज करके चेक कर लेना। एंड फ़ोन का स्पेसिफिकेशन इन केस आपको नहीं पता है तो ये पार्ट उन लोगों के लिए जो लोग एक सैमसंग फ़ैन है एंड जिन लोगों को एक बेसिक सा 5G फ़ोन चाहिए अपने यूसेज के हिसाब से, एंड उन लोगों के लिए मैं बता दूं 5 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है जो ठीक ठाक काम कर लेता है, 6000 mAh बैटरी जो 2 दिन के ऊपर बैटरी बैकअप देगा, Full HD+ वाला एक अच्छा डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, मगर ये उतना एमोलेड वाला एक्सपीरियंस नहीं देगा। एंड सैमसंग का फ़ैन है तो सैमसंग का सॉफ्टवेयर है तो ऑब्वियसली अच्छी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी एंड आपको अगर नहीं पता था तो इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं एंड ऐसे ही ऑफर रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।